Hello friends, I'm Priya and welcome to my channel. Today I'm sharing you a healthy breakfast meal, oats meal. ये जो oats meal है ये बहुत ही healthy है और tasty है. Oats सुनते ही हम लोगों को लगता है कि ये कैसा रहेगा, but ये जो preparation है ये बहुत ही tasty है. तो सबसे पहले हम लोग pan पे थोड़ा सा पानी बॉईल करेंगे और उसमें दो चम्मच क्विक ओट्स, दो चम्मच तीन चम्मच क्विक ओट्स डाल देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे. तीन चम्मच डाल रही हूँ मैं और उसे थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए छोड़ देती हूँ. दो मिनट के बाद ये जो मेरा ओट्स है वो पूरा पक गया है, तो बस दो मिनट इसको उबालना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं. तो अब हम इसको एक बोल में डाल लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे. तो मैंने इसको बोल में शिफ्ट कर लिया है. अब बोल को नीचे रखेंगे और मुझे जो चीज़ लगेगा, वन बनाना, केला एक, एक एप्पल और दो तीन खजूर, खजूर लगेगा दो या फिर तीन, थोड़ी सी हनी. फिर मैं केले को छोटे छोटे एकदम पतले पतले स्लाइसेस करके काटूंगी और एप्पल को भी छोटे छोटे पीस में काट लूंगी और खजूर को भी छोटे छोटे स्लाइसेस कर लूंगी. और उसके बाद हम लोग ये जो हनी है, मेरा हनी खत्म आने को आया है, खत्म होने वाला है, तो इस मील में एक चम्मच हनी का डाल देंगे. तो हनी जो है वो शुगर की जो क्रेविंग रहती है हम लोगों का वो मिटा देगा. और उसके बाद ये जितने भी फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स एक एक करके उसमें डाल देंगे. तो पहले डालती हूँ थोड़ा सा एप्पल, थोड़ा सा एप्पल और उसमें थोड़ा सा बनाना, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एप्पल और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बनाना, फिर बाकी बचे हुए एप्पल और बनाना जितने भी हैं सब डाल देती हूँ. और फिर उसके बाद ऊपर से ये जो खजूर है ये पूरा डाल दूंगी. तो ये बन के तैयार है. तो अब मैं इसमें डालूंगी, ये पूरा ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हैं नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप लोग डाल के खाइए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ये आधा चम्मच फ्लैक्स सीड पिसा हुआ ये डालूंगी, क्योंकि फ्लैक्स सीड जो है वो बहुत ही हेल्दी है हम लोगों के शरीर के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है. तो सबको फ्लैक्स सीड खाना चाहिए. और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर पेस्ट किया हुआ, ये दालचीनी का जो पाउडर है इसमें ये डिश में ये अलग सा फ्लेवर लाता है. तो ये दो चीज़ टोटली ऑप्शनल है, आप लोग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, बट ये बहुत टेस्टी बनता है. और फिर हम लोगों का ये मील बन के तैयार है. और आप जब भी इसको खाएंगे इसको ऐसे मिक्स करेंगे, पूरा बोल जो है अच्छे से मिक्स करेंगे, बनाना को थोड़ा सा मैश कर देंगे इस पूरे डिश में और इसको खाएंगे. तो आप लोगों को ये खाने के बाद पता चलेगा कि ओट्स जो होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है. तो आप लोगों को ये डिश पक्का एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही हेल्दी एक ब्रेकफास्ट है. इससे बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है और इसके साथ साथ मैंने एक डिटॉक्स वाटर भी बना के रखा है. तो डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं ये बनाने की रेसिपी मैं अलग से एक वीडियो में बना के आप लोगों को दिखाऊंगी. तो फिलहाल आप लोग ये ओट्स मील जो है ये बनाइए और ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी है. और सिर्फ टेस्टी मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और सब्सक्राइब पक्का कीजिए. थैंक यू.